अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 2.5 का। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें रूट्स गिवन होंगे, तो ए बी पार्ट्स पर जाने से पहले गिवन इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अंदर ए इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी इज इक्वल टू पी एंड सी इज इक्वल टू क्यू। तो सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है? पी। तो पी ओवर ए की वैल्यू क्या है? 1। तो माइनस पी, और इस तरह से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी हमारे पास क्यू है और ए की वैल्यू 1 है, तो दिस इज इक्वल टू क्यू। यानी हमारे पास अल्फा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू है। तो अब ये जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू है, ये आगे ए और बी पार्ट्स में यूज़ करेंगे। तो पार्ट ए है कि हमें जो रूट्स गिवन है वो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये दो रूट्स हमें गिवन है। इन रूट्स की मदद से हमने सम फाइंड करना है, यानी एस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा नज़र आना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से लिखा, और माइनस 2 अल्फा बीटा भी, क्या के फ़र्क ना पड़े। अब इन तीनों को यूज़ करके यहाँ से फार्मूला आ जाता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ नज़र आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास है, वो क्या है? माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के वैल्यू क्या है? क्यू। तो एस विल बी इक्वल टू, माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो एस आ गया है। अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा स्क्वायर पहला रूट है और दूसरा रूट बीटा स्क्वायर है। प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और होल स्क्वायर लिख दिया, एक ही बात है। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है वो है क्यू, तो स्क्वायर, तो पी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो अब एस और पी आ चुके हैं। नाउ सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस एस एक्स, एस की वैल्यू है क्या है? पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है? क्यू स्क्वायर। सो दिस इज द डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, यानी हमारा आंसर क्या आ गया है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के ऊपर। रूट्स हमें क्या गिवन है? अल्फा ओवर बीटा। दूसरा रूट गिवन है बीटा ओवर अल्फा। सबसे पहले इन दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, अल्फा ओवर बीटा, सेकंड बी बीटा ओवर अल्फा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, तो अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में अल्फा स्क्वायर, इसी तरह बीटा भी आ जाएगा बीटा स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके साथ उसी तरह ऊपर जो मैंने किया था
2 प्लस किया 2 अल्फा बीटा और माइनस बी किया ओवर अल्फा बीटा। अब हम जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं इन तीनों को, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब वैल्यूज डाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है, क्यू ओवर, नीचे भी अल्फा बीटा है तो क्यू, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, तो ये एस की वैल्यू आ गई है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, यानी एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई करेंगे बीटा ओवर अल्फा, दोनों रूट्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये इसके साथ कट जाएगा, बीटा बीटा के साथ कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 1, सो बी पी इज इक्वल टू 1। सो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, इसकी वैल्यू हमारे पास है ये वाली, तो ये क्या है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, ये एस की वैल्यू डाल दी, एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 0। अब नीचे 2 है तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी क्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2 नहीं बल्कि नीचे क्यू है, तो क्यू से इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्यू एक्स स्क्वायर, ये क्यू क्यू कट जाएंगे, माइनस ब्रैकेट में रह जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और यहाँ पर एक्स प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू ये 0। तो हमारे पास ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0।